अभी हम देख रहे हैं टीसीएस की चार्ट। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस में क्या हो रहा है ना, टीसीएस में ये एक लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट इसके ऊपर अभी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन आया उसके बाद रिटेस्ट हुआ, नंबर वन में रेजिस्टेंस फेस किया, टू में रेजिस्टेंस, थर्ड भी रेजिस्टेंस, फोर्थ भी रेजिस्टेंस, फिफ्थ भी रेजिस्टेंस, सिक्स टाइम भी रेजिस्टेंस। लेकिन हालांकि यह मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है शायद, ठीक है। जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं जाता हम लोग इसमें बोल नहीं सकते कि वीक आ चुका है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वीकनेस आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगेन यहाँ से अगेन ये रिटेस्ट के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे रिटेस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ से रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट आ जाता है तो हम लोग उसके बाद लॉन्ग साइड ट्रेड करना, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा फॉल दिखा दे, तो इसी को कैप्चर हम लोग करने की ट्राई करेंगे, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी उसके बाद हम लोग जरूर ढूंढेंगे, ठीक है। तो जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता सब हम लोग शॉर्ट साइड है, जब ब्रेकआउट आ जाएगा उसके बाद हम लोग लॉन्ग साइड को कंसिडर करेंगे, उसका ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे।